इन दिनों आपने बार बार क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा। क्या है ये क्रिप्टो करेंसी और कैसे काम करती है, इसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी वर्तमान समय का सबसे गर्म मुद्दा बनी हुई है। दुनिया भर में जहां इसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, वहीं भारत में इसमें निवेश करने वालों की संख्या बढ़ी है। ज्यादातर लोगों में अब इसके बारे में जानने की इच्छा है, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या होती है डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेनदेन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि आभासी है और दिखाई नहीं देता, यानी आप इसे ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं, इसलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। इसका पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, जहां एक और किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक है यानी कि RBI, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव के, इसको लेकर लोकप्रियता तो बढ़ती ही जा रही है। सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 डिजिटल मुद्राओं की बात करें तो इनमें पोलकाडोट, टेथर, लाइटकॉइन, डोजकॉइन समेत अन्य मुद्राएं शामिल हैं। शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और हजारों की संख्या में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गई। आज क्रिप्टो के कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में फैल चुका है। कंप्यूटर के जरिए ये पूरा लेन देन होता है। आसान भाषा में समझें तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है, जो एक निजी कंप्यूटर चेन से जुड़ी हुई है और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसकी लोकप्रियता में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल कर चुके हैं। अल सल्वाडोर नाम के देश में तो डिजिटल मुद्रा पर केंद्रित बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ब्लॉकचेन के जरिए होती है इस्तेमाल। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी इंक्रिप्टेड होती है, इसे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेनदेन का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से कंट्रोल होता है। ये सारा का सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए चलता है। क्रिप्टो करेंसी में कोई लेनदेन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे खरीदा जाए, तो आइए उसे भी जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के दो जरिए हैं, लेकिन आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर काम कर रहे हैं वजीरएक्स, जेपे, कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन DCX गो समेत कई एक्सचेंज संचालित हैं। इसके अलावा कॉइनबेस और बिनांसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जहां से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डोजकॉइन समेत कई डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं। 24 घंटे खुले रहते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। देश में बिटकॉइन अन्य क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफी आसान है। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज 24 घंटे खुले रहते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफी आसान है। रुपए में क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश के लिए आपको किसी एक एक्सचेंज पर पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए एक्सचेंज की साइट पर साइन अप करने के बाद अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा कर लें। वॉलेट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं और फिर इन डिजिटल मुद्राओं की खरीदारी की जा सकती है। भारत में भी क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स ऐसे हैं जिनका भारत में संचालित किसी न किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में पंजीकरण है। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल तो नहीं किया है, लेकिन इस पर टैक्स लगाने की बात बजट में की गई थी। हम जिसे क्रिप्टो करेंसी मान रहे हैं, वित्त मंत्री ने जिसे वर्चुअल एसेट कहा, उससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। बजट 2022 में यही एक पॉइंट था जिसने सबका ध्यान खींचा। बजट में ऐलान के बाद क्रिप्टो में निवेश करने वाले निराश हुए, लेकिन उसके कारोबार से जुड़े लोग जरूर खुश हुए। खुशी इसलिए क्योंकि कई लोग ये दावा कर रहे थे कि अब क्रिप्टो करेंसी देश में लीगल हो गई है।
ये इस बात से भी साफ होता है कि बजट में ऐलान के ठीक बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स कॉइन स्विच कुबेर की तरफ से रिएक्शन आए कि सरकार का ये कदम अच्छा है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस वसूलने की तैयारी कर रही है, इसकी संभावनाएं अपार हैं और आए दिन क्रिप्टो करेंसी का बाजार बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं तो हमें कमेंट में लिखें, या इस बारे में और जानना चाहते हैं तो अपनी राय या सवाल कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज वीक।